आखिर ऐसा क्या हुआ जब विधवा माँ के पुत्र को नदी से डूबने से बचाने के लिए कुत्ते का रूप लेकर आए खुद साईं बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर करें। उत्तराखंड के एक गाँव में एक असुधा नाम की महिला रहा करती थी। वसुधा के पति का देहांत कई वर्ष पहले ही हो चुका था। वसुधा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वसुधा बहुत ही काफी गरीब थी और गांव में छोटे मोटे कार्य कर वह अपना घर चलाया करती थी। वसुधा के जीवन में सिर्फ और सिर्फ उसके पुत्र के अलावा कोई दूसरा ना था। एक दिन वसुधा गांव के तालाब के पास पानी भरने के लिए अपने बेटे के साथ गई। वसुधा पानी ही भर रही थी तभी उसका बेटा पास में ही खेल रहा था। तभी खेल खेल में उसके बेटे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। वो डूबने लगा। वसुधा ने रस्सी फेंक कर उसे बचाने का प्रयास किया परंतु वह असमर्थ था। वसुधा रोने लगी, चिल्लाने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी परंतु आसपास उसके बच्चे के प्राण बचाने के लिए कोई भी नहीं था। और जब उसके चीख चिल्लाने के बाद भी कोई भी नहीं आया तब वह गांव की ओर दौड़े दौड़े किसी को बुलाने के लिए जाने लगी। जैसे ही वसुधा वहां पर से गई तभी वहां पर ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर गांव वाले साथ ही साथ वापस लौटने वाले वसुधा भी हैरान थी। एक कुत्ता अचानक ही वहां पर दौड़ा दौड़ा उस नदी में कूदा और उस बालक को अपने पीठ में बैठाकर वह नदी से उसे बाहर ले आया। थोड़ी देर बाद जब वसुधा वहीं पर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा सुरक्षित है। वह शांति से पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है और उसके सिरहाने पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। वसुधा वहां पर गांव वालों के पहुंचते ही सभी लोगों ने देखा कि वह कुत्ता वहां पर से जाने लगा। सभी लोगों ने देखा कि वह कुत्ता जो वहां पर से जा रहा है तो उसके पीछे से एक दिव्य रोशनी प्रकट हो रही है। सभी लोग उस कुत्ते को देखकर हैरान हो चुके थे। वसुधा ने अपने पुत्र से पूछा कि आखिर तुम बाहर कैसे आए। तब उनके पुत्र ने उन्हें पूरी सारी बात बताई। वसुधा को यह सब सुनते ही समझ में आ गया। साथ ही साथ हर कोई ये जानकर हैरान था कि वह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं साईं बाबा के ही रूप थे। वसुधा को ज्ञात हो चुका था कि यह साधारण कुत्ता नहीं बल्कि स्वयं साईं बाबा के ही दूत है। इसीलिए उन्होंने उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद दिया और साथ ही उनके बेटे के प्राण बचाने के लिए उनसे आशीर्वाद भी मांगा। दोस्तों, इसी तरह से वसुधा के पुत्र की जान स्वयं साईं बाबा ने बचाई। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।